तो गाइस यार आज ना मैंने सिंचन और चौप ने हम तीनों ने मिलके गाइस आज पूरा का पूरा छत साफ किया है यार। अरे नहीं नहीं मैंने पूरा छत साफ किया है, झूठ मत बोलो। अबे नहीं नहीं मैंने आधा किया था और सिंचन ने आधा, बस चौप हमें झाड़ू ला के देता था और भाई सब कुछ भी नहीं करता। अरे वेट, वो सामने वाला छत तो रह गया सिंचन। अरे हाँ हाँ गाइस हमारे गैराज वाला छत रह गया, अब मैं नहीं करूंगा यार, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, मेरे को नहीं करना काम। अबे यार चलो छोटा सा छत है, अकेले कर देता हूँ। और हाँ गाइस, अरे चौप जा नीचे फटाक से झाड़ू लेके आ मेरे लिए, ठीक है ना? ना पापा ना, मैं नहीं जाऊंगा यार। अरे चले जा वरना देख ले तुझे खाना नहीं दूंगा, ठीक है ना? अच्छा अच्छा जाता हूँ। गाइस यार अब तो मुझे करना ही पड़ेगा काम। अरे गाइस मैं तो बच गया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हुआ यार, ये सब तो मेरी एक्टिंग थी। वाह यार मैं तो काफी बढ़िया एक्टर बन जाऊंगा। अबे यार तूने चीटिंग किया, ऐसा नहीं करते, ठीक है ना? लो फ्रैंकलिन भैया। अरे गाइस लो नीचे चौप खड़ा है, उसने तो हमें झाड़ू दे दिया। अब मेरी लड़ाई इसलिए है कि मैं झाड़ू मारूं या सिंचन मारे। नहीं नहीं सिंचन तू मार, ठीक है ना? अरे एक बात ये तो देखो, छत तो मुझे साफ लग रहा है यार। अरे नहीं यार मैं ही मारता हूँ, तू तो मारेगा नहीं। चलो गाइस मैं ही झाड़ू मार ही लेता हूँ अब। चलो चलो आ जाता हूँ फ्रैंकलिन के घर, और आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यार आज फ्रैंकलिन को मैं बहुत बड़ा काम दूंगा जिसमें उसको काफी ज्यादा फायदा होगा यार। सच में आज तो वो माला माल हो जाएगा, लेकिन वो मेरा काम कर पाएगा तभी। काम थोड़ा हार्ड है लेकिन मुझे लगता है हाँ कि फ्रैंकलिन और सिंचन दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैंकलिन और सिंचन ने मेरे को काम के लिए मना कर, ना 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 अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो मैं किसके पास जाऊंगा? एक वही लोग हैं जो मेरा काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फ्रैंकलिन के अलावा और किसी पे भरोसा भी नहीं है। चलो आप लोगों से बात करते करते मैं यहाँ तक तो पहुँच गया और फ्रैंकलिन के घर पे अरे वो रहा फ्रैंकलिन सुनो यार। वेट गाइस हमारे घर में कौन? वेट ये तो सिमोन भैया है। अरे सिमोन भैया हमारे घर में आज कैसे? अरे मैं बताता हूँ, पहले नीचे तो आओ यार। अभी नहीं, मैं ना ऊपर झाड़ू लगा रहा हूँ, बहुत गंदा है हमारा छत, बस थोड़ा देर और उसके बाद मैं साफ करके नीचे आता हूँ। यह एक काम करो आप ही ऊपर आ जाओ ना। अरे यार एक तो फ्रैंकलिन के पास इतना दिमाग है तब भी घर में झाड़ू मार रहा है। अरे फ्रैंकलिन मैं आज तुम्हारे लिए काम लेके आया हूँ यार। मेरे लिए कौन सा काम है, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे काम है, झाड़ू लगाना है और नीचे भी सफाई करनी है, मेरे पास बहुत काम है यार, और काम नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना? अंकल अभी हमारे पास बहुत काम है, पूरा घर गंदा पड़ा है यार। अरे बच्चे तुम लोगों को यार घर के काम की पड़ी है, जो काम मैं दूंगा उसमें तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे यार। अरे बहुत पैसे फैंकी भैया, देखो ये तो पैसे की बात कर रहे हैं यार। अबे यार अब कौन सा काम आ गया जो मैं करने वाला हूँ? सही में यार सिमोन जब हमारे घर आता है ना, समझ लो कि वो बहुत हार्ड काम है या बहुत डेंजर काम है। हाँ बोलो सिमोन कौन सा काम है बताओ, झाड़ू वाड़ू बाद में मार लूंगा मैं तो अब। अरे हाँ हाँ यार मैं कह रहा हूँ वो जो काम है ना उसमें थोड़ा रिस्क है। एक मिनट पहले आप काम बताओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे वो काम करना है कि नहीं करना है यार। अरे हाँ हाँ बताता हूँ, हमारे लॉस एंजेलोस में ना 3 नए ट्रक और एक बस भी है यार, काफी ज्यादा बढ़िया है यार, अगर वो तुम स्टीलिंग करके ले आओ तो बहुत फायदे में रहेंगे हम दोनों यार। अबे भाई साहब इतने बड़े बड़े ट्रक चलाने मेरे को, नहीं नहीं मैं नहीं करने वाला, और हाँ करूंगा तो मैं पैसे भी लूंगा, और जितने ट्रक मैं चुराऊंगा ना उनमें से एक ट्रक तो पक्का लूंगा यार। अरे हाँ हाँ 2 ट्रक है और 1 बस है, तुम रख लेना जो तुम्हें चाहिए यार। चलो गाइस अब एक काम करो मुझे लोकेशन सेंड कर दो, और हाँ हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है और हम पैदल भी नहीं जाने वाले, तो हम आपकी गाड़ी से जाएंगे यार। अरे अरे 1 करोड़ का नुकसान, ठीक है जाओ जाओ, तुम्हारे अलावा मेरा काम और कोई कर भी नहीं सकता यार। चलो गाइस अभी हम गाड़ी से जा रहे हैं और चौप भी ऊपर बैठ गया, और हाँ सिमोन हमारे आने से पहले घर का सारा काम करके रखना, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ। अरे फैंकी भैया देखो हमारे पास फायदा ही फायदा हो गया, घर का काम भी डन और बाहर का काम भी हो जाएगा यार अब तो। अबे और पैसे भी आ जाएंगे। सही में गाइस मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन ही होगा। वेट सबसे पहले ना मुझे लोकेशन चेक करना पड़ेगा, हमें जाना कहाँ पे। अरे लोकेशन देखो गाइस ये लोकेशन तो बड़ा बेकार है फैंकी भैया, यहाँ पे ना गुंडे बदमाश लोग रहते हैं यार। अच्छा हमें वहाँ पे जाना है, चलो गाइस आई थिंक ना वो वाला लोकेशन सबसे ज्यादा डेंजर होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे गुंडे रहते हैं और गैंगस्टर रहते हैं
क्या ही बताऊं कहां गया वो इलाका, बस ये देखो आ ही गया। सही में गाइस मुझे जाने में भी डर लग रहा है यार। अरे हाँ चलो चलो गाइस, यार ये देख सकते हो आप लोग यहीं पे कहीं है लोकेशन। अरे नहीं आ रहा यार लोकेशन कहाँ पे है। अबे रुक जा रुक जा, आई थिंक सिंचन यही वाला इलाका है और ये लेफ्ट में जाना है हमें। ये वाला गली नहीं, ये वाला गली है यार। आई थिंक गाइस यही वाला इलाका है। और वेट, वो सामने वहाँ पे देख सिंचन, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रक है। एक मिनट, यहाँ पे लोग भी खड़े हैं। आई थिंक ना हम लोग को ये वाली गाड़ी कहीं पे और खड़ी करनी चाहिए। और उसके बाद वेट, ये तो पीछे वाली गली है। ओए तुम कहाँ जा रहे हो अंदर? अरे कहीं नहीं जा रहे अंकल, हम लोग तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं। अरे यहाँ पे आना भी मना है, निकलो अभी हमारा मुंह ठंडा है वरना हम तुम्हें मारेंगे, निकलो यहाँ से। क्या बोल रहे हो, हमने अभी कुछ बोला भी नहीं है। अरे निकल रहे हो या बताओ तुम्हें? अरे चले चलो पेंकी भैया वरना ये लोग हमसे लड़ेंगे। यहाँ से निकलते हम लोग गाइस, आगे चलो पेंकी भैया आगे चलो वरना ये हमको पीट देंगे। हाँ हाँ निकलो यहाँ से। सही में यार वो लोग तो बड़े डेंजर हैं। चलो अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी को यहाँ पे छुपा दिया है, अब यहाँ से जाते हैं। सबसे पहले ना हम लोग को इन दोनों से छुप छुप के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें वो ट्रक को चुराना पड़ेगा। सिंचन आराम आराम से यो, और वेट झुक जा यहाँ पर वरना वो देख लेंगे हम लोग को। हाँ हाँ मैं झुका हूँ फेंगिन भैया, आप आगे चलो। यार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, ये लोग गुंडे बदमाश है फेंगिन भैया। अबे वेट यहाँ पे एक और आदमी है। अरे यार ये देखना ले सिंचन जल्दी आ। ओए तुम कौन हो? अरे मैं हूँ फ्रैंकलिन हूँ। तुम? अबे भाई साहब, अबे यार ये तो बच गया सिंचन मारी से। अरे सब लोग आ जाओ रे। भाई साहब गन निकाला था सिंचन, लेकिन मैंने भी गन निकाल ली। आ जाओ और ये लो। अरे मारो फेंकी भैया मारो, यहाँ पे इतने सारे बदमाश आ गए, ये तुम लोग बचोगे नहीं यार। सिंचन ये सब छोड़ और सबसे पहले ना तू मेरी मदद कर, यहाँ पे तो लोग आते जा रहे हैं यार एक एक कर कर। हाँ हाँ मैं मार रहा हूँ, एक गया तू भी। ओए इन सबको छोड़ना मत, जाने मत देना इन दोनों को। अब भाई साहब पहले पकड़ के तो दिखाओ ना, तभी तो जाने दोगे। गाइज आई थिंक ना अबे वेट वहां से फायरिंग कर रहा है, और ये ले टांग पे सीधे गोली मारी सिंचन मैंने उसके तो। अरे वाह वाह बढ़िया गाइज, वो लोग बेहोश हो गए। अरे फेंकी भैया मुझे लगता है ना अब यही टाइम है, हमें ये ट्रक लेके जाना चाहिए। हाँ बोल तो सही रहा है, अब एक काम करते हैं हम लोग फटाक से ना ये वाला ट्रक उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अरे चुप फटाक से बैठ जा यार वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ बैठ रहा हूँ। गाइस यार इसके ऊपर बैठा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है ट्रेन का इंजन है यार। अरे भाई हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग भी कुछ ज्यादा ही लग रहा है ये। चलो गाइस अब यहाँ से एक शॉर्टकट मारते हैं और सीधा घर में जाते हैं। वेट ये वाला गली, हाँ ये तो सीधे मेन रोड में निकलेगा। चलो यहीं से शॉर्टकट मारते हुए घर चलते हैं यार। हाँ हाँ चलो चलो। गाइस आप लोग देख सकते हो फ्रैंकलिन भैया को सारे रास्ते याद हैं और मुझे भी याद हैं। सिंचन तुझे याद नहीं है क्या? अरे छोड़ना। गाइस आप लोग देख सकते हो ये ट्रक कितना पावरफुल दिख रहा है और ऐसा लग रहा है ये स्कूल बस है यार। अबे हाँ दिखने में तो स्कूल बस जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं ऐसा लग रहा है ना इसके अंदर किसी को रख के लेके जाया जाता होगा जिसको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देते होंगे यार। हाँ हाँ गाइस आप लोग देख सकते हो ना ये कितना भारी दिख रहा है, अगर ये किसी ट्रक पे चढ़ गया सॉरी किसी कार पे चढ़ गया तो उसका तो कचुम्बर बन जाएगा यार। अबे हाँ एक मिनट, अरे सामने से हट, देखो गाइस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तो किसी भी चीज को आराम से पीछे कर दे रहा है। सही में ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। हाँ हाँ वो तो मुझे देखने से ही लग रहा था। गाइस वो देखो वो अंकल तो भागने लग गए ये ट्रक देख के यार। अबे वो तो भाग गए, सही में मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई साहब सुनो, अरे जाओ मत गाइस वो तो डर गए। चलो अब हम लोग चलते हैं आराम से घर में। अरे अरे ये कौन सी बात है भैया? अरे भाई बच गया भी एक कार वाला, वरना इसका कुचुम्बर निकल जाता। अभी ये साइड से निकल गया सही है, वरना गाइस अभी मेरी गाड़ी ना उसके कार के ऊपर जाती तो सही में वो कार तो तबाह हो जाती यार। अरे अरे वाह फ्रैंकलिन वाह, अरे गाड़ी ले आए तुम तो इतनी जल्दी। अरे ये तो बहुत आसान काम था मेरे लिए, आराम से दो चार बार को मैंने मारा दो चार लोगों को और बस फिर ये उठा के ले आया मैं यार। अरे हाँ हाँ अब लेट मत करो, मैं कहूँ तो सेकंड लोकेशन की तरफ भी जाओ जल्दी यार। अच्छा यार हाँ वहाँ भी तो जाना है। अरे चुप सुन तू यहीं पे रह के गाड़ी का रखवाली करियो
और मैं और सिंचन हम दोनों अकेले जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, जाओ। गाइस आप लोग देखो ये ट्रक कितना भारी है और कितना बड़ा है। हमें गाड़ी को रोक। अरे यार गाड़ी वाला निकल गया, जाने के लिए हम पैदल थोड़ी ना जाएंगे, हमें कोई गाड़ी वाला चाहिए। सिंचन रोकियो रोकियो, कोई गाड़ी वाला हो तो रोकियो उसको। अरे आ गया आ गया, अरे पुलिस की कार है। ना 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 वो देखो फ्रैंक भैया, दूर एक कार आ रही है। हाँ हाँ वो दिख गई, आ जा। अरे रुको, मुझे आपकी कार को चाहिए, और उतरो नीचे चलो। अरे फ्रैंक भैया बैठो बैठो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। गाइज आप लोग देख सकते हो ये कार भी मिल गई, अब हम लोग चलते हैं सेकंड लोकेशन पे। लेकिन वेट, सेकंड लोकेशन कहाँ की है फ्रैंक भैया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अरे ये लोकेशन तो लेस्टर भाई के घर के पास का है यार। अरे लेस्टर भाई के घर के पास का है? चलो गाइस हम लोग देखते हैं वहाँ पे कौन सा ट्रक है। अरे वेट वेट वेट, ये तो एक बस की फोटो है। बस की फोटो है और ट्रक जैसी, आई थिंक ना किसी ने मॉडिफिकेशन कराई होगी और हमें वही चुराना है यार। मजा तो आएगा सिंचन, लेकिन वहाँ पे पिछली बार की तरह कोई होगा, फिर से हमें फाइट करनी पड़ेगी और उनको हरा कर वापस बस लेके आना पड़ेगा। लेकिन इन सब में बहुत रिस्क है। और हाँ गाइस आप लोग ना इस बात पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। चलो हम आपको वहीं पे मिलते हैं या डायरेक्ट। हाँ हाँ, अरे ये देखो आपने बाइक वाले को गिरा दिया, अंकल सॉरी हमें माफ कर दो। अरे सॉरी भाई साहब गलती से हो गया। और गाइस लो अभी मैं काफी स्पीड में जा रहा हूँ वहीं पे जहाँ मैं जाना चाहिए, लेकिन यार सही में वो लोकेशन काफी दूर का। और लो ये रहा बस स्टैंड और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे हो रही है मॉडिफिकेशन। अरे ये रे, अरे अंदर मत जाना फ्रैंकी भैया, ये देखो यहाँ पे है वो गुंडे लोग। अरे हाँ इनके हाथ में गन भी है। गाइस आई थिंक ना यहाँ पर चल रही है मॉडिफिकेशन और उस बस को बनाया जा रहा है, ट्रक वाला बस। और वो देखो मुझे तो दिख गया सिंचन। अरे हाँ हाँ मुझे भी दिख गया, रेड कलर का है यार, बहुत बढ़िया दिख रहा है, इतने बड़े बड़े टायर, वाव यार अमेजिंग। अबे हाँ वेट, आराम आराम से आइयो। और ऊपर ट्रेन के ऊपर ना एक आदमी है, सबसे पहले ना इसी को मारना पड़ेगा, उसके बाद किसी पे अटैक करेंगे। और लेट्स गो गाइस आराम से। अरे राम से फ्रैंक भैया ले भाई साहब गया। और गाइस उनको पता चल गया है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, सिंचन आराम से अटैक कर उन पे यार। अरे हाँ हाँ, अरे फ्रैंक भैया मारो मारो सबको मारो, ये अंकल आप भी गए, ये लो बाबा। अबे लो सारे एक ही बार में गए सिंचन। अरे ये ले भाई। अरे यार इसकी क्या जरूरत थी यार, मैं अकेले ही मार देता सबको यार। अरे नहीं नहीं इतना टाइम नहीं मेरे पास। और ये ले भाई साहब सारे सारे गए, यहाँ तो इतने आराम से फाइट हो गई, यहाँ तो पता भी नहीं चला कि मैंने किसी से फाइट भी की है। और लो गाइस इतना बड़ा बस, इसकी इतनी बड़ी बड़ी टायर है, ऐसा लग रहा है मॉन्स्टर बस है यार ये तो। अरे यार बिल्कुल गाइस सही में देखो कितनी बड़ी बस है। अरे बाबा फ्रैंक भैया अगर हमने इसको बैठा के लोगों को बैठाया ना, लोग डर जाएंगे। अरे ये तो देख इसके अंदर पावर कितना है, हमने उस वाले गाड़ी को ना धक्का दिया और वो कहाँ चली गई। अरे भाई ये गाइस सही में लिटरली इतनी ज्यादा बढ़िया ना, क्या ही बताऊं। सस्पेंशन और इसके शॉकर्स क्या ही अच्छे कंपनी के लगे हुए हैं यार। अरे हाँ हाँ, और इसके टायर तो देखो कितने बड़े हैं और कितने बाहर निकले हुए हैं यार। अरे यार वही तो, एक मिनट गाइस ये तो आराम से क्लाइंबिंग भी कर ले रही है। अरे सही में सिंचन इससे ज्यादा पावरफुल बस मैंने देखी नहीं आज तक। अरे मैंने भी नहीं देखी गाइस, मैंने हर तरीके की बस देखी थी, लेकिन इतनी ऊंची ना बाबा ना कभी नहीं देखी थी मैंने। चलो यार अब ना बिना टाइम वेस्ट के ना हम लोग फटाक से चलते हैं वापस अपने घर, और हमें एक और गाड़ी तो चुरानी है जो रेसिंग ट्रक है यार। सही में वो वाली तो काफी फास्ट चलती होगी यार। रेसिंग ट्रक, मैंने तो पहली बार सुना है रेसिंग ट्रक के बारे में। अरे मैंने तो पहले भी सुना है, और ये देखो कैसे कूद रही है जैसे कोई खरगोश हो, आराम आराम से किसी भी चीज को पार कर ले रही है यार। अरे हाँ ये बात तो सही बोला आपने, देखो अरे भाई साहब इसको तो उड़ा दिया गाड़ी को यार। अबे वही तो। ओ गाइस अभी पूरे लॉस एंजेलिस में ये वाली बस को कुदाते हुए लेके आया हूँ, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। बस अब अपने घर में चलते। और ये देखो छोटे मोटे कार को तो ये चूहे की तरह पार कर देती है यार। अरे यार आज तो आपने बहुत तबाही मचा दी, सारी गाड़ी वाले आपसे तंग हो गए होंगे यार। अरे हाँ लेकिन इस वाले बस में पावर जो है, और लो कितनी ऊपर गई। लो गाइस सीधे पार्किंग, चलो इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ यार। अरे यार ये गाड़ी हमने कहाँ फंसा दी, कोई नहीं यार बाहर निकल जाएगी, वो घास को यहाँ काट देंगे तो। चलो गाइस अभी ना फटाक से यहाँ से निकलते हैं, और उसके बाद सिमोन को भी तो बताना है
कि हम लोग ये वाली गाड़ी लेके आ गए। चलो चलो सिमोन, अरे सिमोन को सुनना सुनाई देगा। चलो अरे सिमोन सुनो। अरे क्या हुआ, तुम गाड़ी नहीं ले? अरे यार क्या हुआ, फ्रैंकलिन पकड़ा गई क्या? अरे नहीं नहीं, मैं वो बस है ना, मैंने अपने वहाँ पार्किंग में रख दिया है। तो सुनो, हम लोग जा रहे हैं तीसरी गाड़ी को लेके आने के लिए। और हाँ, तीसरी वाली गाड़ी तो रेसिंग ट्रक है, उसको चुराने में तो और ज्यादा मजा आएगा यार। अरे जाओ जाओ, लास्ट ट्रक बची है, जल्दी लेके आना फ्रैंकलिन। अरे हाँ मैं लेके आ जाऊंगा। चलो गाइस, अभी हमें जाने के लिए ना पैदल जाना पड़ेगा, वरना किसी की कार छीन ली तो मजे आ जाएंगे। वेट, एक कार आ रही है। अरे कार वाले भैया, अब तो आपको ये कार देनी पड़ेगी, नीचे उतरो। अरे अरे ये क्या हो रहा है, पागल हो गया? अरे हम पागल नहीं है सिंचन, जल्दी बैठ, वो भाग गए। चलो गाइस, ये वाली गाड़ी लेके फटाक से चलते हैं। और हाँ, थर्ड लोकेशन काफी दूर भी है, हमें वहाँ जाने में टाइम भी लग जाएगा, एक शॉर्टकट। और लेट्स गो गाइस। अरे फ्रैंकी भैया, ये लास्ट वाली ट्रक की तो फोटो भी नहीं आ रही, अब हम पहचानेंगे कैसे? अबे भाई साहब, रेसिंग ट्रक है, हम अपने आप पहचान लेंगे। चलो चलो चलो, अरे भाई बच गया। चलो गाइस, अभी यहाँ से डायरेक्ट पहुँचते हैं रेसिंग ट्रक के पास, और आपको दिखाते हैं कि वो ट्रक कैसा। और हाँ, लास्ट तक जरूर देखना कि गाइस, ओ गाइस, वो रास्ते में ना हमारी गाड़ी ब्लास्ट हो गई, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही गर्म कर दिया था उसको यार। अरे तो कौन बोल रहा था इतने तेज तेज चलाने को, आपकी गलती है यार, ऐसे मत चलाया करो। वो गाड़ी खराब थी यार, वो ब्लास्ट कर गई आगे जाकर। चलो लेकिन हमें पैदल आना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ना हमें कोई नहीं देख रहा, और सीधे एंटर लेते हैं। चल आजा सिंचन, आजा फटाक से आजा यार। अरे आ रहा हूँ फेंक भैया, लेकिन ये बताओ वो ट्रक है कहाँ? अबे वो तो हम ढूंढ लेंगे, आजा पहले अंदर। गाइस सही में यहाँ पे लास्ट ट्रक हमें चुराना है, उसके बाद तो बल्ले बल्ले, हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। कहाँ गया वो ट्रक? आई थिंक वहाँ पे कोई ट्रक है जो यार, अरे ये तो रेसिंग ट्रक है यार। अरे मतलब लोकेशन भी यही की आ रही है, पर वहाँ देखो वहाँ पे गार्ड अंकल भी हैं। अबे हाँ हाँ, आजा आजा। अरे सिंचन, तुझे पता नहीं क्या भंडारा हो रहा है? अरे भाई साहब सुनो। अरे यार यही बहाना मारना है, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे आज तो पेट भर गया यार, क्या पूरी थी, हलवा भी गरम गरम था। अरे भाई सुनो। अरे हाँ बोला। अरे भंडारा हो रहा है, जाके आलू पूरी सब्जी खाओ यार। अरे आलू पूरी सब्जी कहाँ पर? अरे बस यहीं से बाहर निकलोगे, हाईवे में बिक रहा है। अरे बिक रहा है मतलब? अरे बिकनी है मतलब बट रहा है यार। अच्छा यार, खाने का मन तो बहुत है, लेकिन ये ट्रक है ना, इसीलिए नहीं जा सकता मैं। अरे तो मैं हूँ ना अंकल, हम पे भरोसा करो, हम ध्यान रखेंगे। आप बहुत देर से खड़े हो, जाओ आप आराम से, ठीक है? और ट्रक का ध्यान ना हम लोग रख लेंगे, जाइए अंकल जल्दी, वरना खत्म हो जाएगा। अरे आलू पूरी सही में यार, बहुत दिन बाद आज खाऊंगा। अरे हाँ सुनो, कहीं जाना मत मेरे आने तक, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, हम लोग यहीं पे हैं, जल्दी आओ। अब तो जाऊंगा, आलू पूरी खाऊंगा। अरे हाँ, यही वाली गाड़ी ले जाता हूँ, जिसकी भी वो क्या है, मैं आके यहीं पे रख दूंगा, और क्या। चलो अब जाता हूँ। अरे हाँ, यहाँ से शॉर्टकट मारता हूँ, वरना सब्जी खत्म हो जाएगी। अरे भाई बच गया बच गया। चलो ओके गाइस, वो देखो वो तो चले गए, और हमने उनको उल्लू भी बना दिया। अब यहाँ से फटाक से निकलते हैं ट्रक को लेकर यार। अरे हाँ चलो चलो गाइस, रेसिंग ट्रक है, देखने में सामने से क्या रहा है, पुलिस। अबे पुलिस को किसने बता दिया? लगता है ना ये ट्रैक हो गया होगा। चलो यार अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये पुलिस यहाँ से कैसे आ रही है? आई थिंक ना पुलिस वाले अंदर ही थे, और इस ट्रक की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन यार हमें इन लोगों ने घेर लिया है यार। अरे तो भाग जाएंगे भाग जाएंगे, वैसे भी ये ट्रक है गाइस। चलो अब यहाँ पे देखेंगे ये तेज भागती भी है कि नहीं। चलाओ चलाओ तेज चलाओ। अरे हाँ हाँ चला तो रहा हूँ गाइस। इसी बहाने इस ट्रक का परफॉर्मेंस भी चेक हो जाएगा कि ये कितनी फास्ट भागती है। भाग तो रही है, लेकिन ये काफी ज्यादा फिसल भी रही है ये। अरे यहाँ रेत है ना इसीलिए। अरे सामने से पुलिस आ गई। अरे बच्चों बच्चों गाइस, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है यार। अबे यार पुलिस वालों ने तो घेर लिया, लेकिन एक बार ये वाली गाड़ी हाईवे में गई तो कोई इसको पकड़ नहीं पाएगा यार। अरे हाँ वो तो मुझे पता है गाइस, क्योंकि ना ये रेसिंग ट्रक है, इसके अंदर कितना तगड़ा इंजन होगा ये तो मुझे भी नहीं पता यार। अबे वही तो। चलो गाइस अभी इसका पावर दिखाते हैं। अब हट जाओ, कोई भी मत आना आगे,
वरना बचोगे नहीं। अरे घेर लिया इन लोगों ने। वेट, ये तो भाई, ओ भाई साहब, ये लोग तो गेट भी ब्लॉक कर रहे हैं। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा यार हम लोग को। हाँ, यहाँ से तो भागना ही पड़ेगा, इतने सारे पुलिस। अरे फिर से आ गई, बच गए रे, बच गए। भागो यहाँ से, जल्दी भागो। गाइस सही में अभी बोलो ना, गेट को ब्लॉक कर रहे थे जिससे हम लोग नहीं निकल पाए। लेकिन यार मैं काफी ज्यादा चलाक हूँ, मैं तुरंत बाहर निकल गया और ये लोग मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। अब तो फुल स्पीड में चलाऊंगा। अरे हट जाओ, अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा यार। अरे यार ये तो काफी तेज चल रही है। अरे यार बहुत बहुत स्पीड में, देखो सारी कार को हरा दे रही है ये तो रेसिंग में। ये देख यार कितनी ज्यादा फास्ट जा रही है। आराम से हमें ब्रेक भी मारना होता है फेंगे भैया। अरे हाँ हाँ ले, लगा दे ब्रेक, ब्रेक भी काफी बढ़िया है। चलो गाइस अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। ऑल राइट गाइस, आप लोग देख रहे हो हम लोग ये वाला ट्रक अपने घर के पास लेके आ चुके हैं और किसी भी पुलिस वाले ने हमें अभी तक। अरे पुलिस आ रही है पीछे। अरे अरे पुलिस आ गई यार। अबे यार मुझे लगा हमें पकड़ रही है, लेकिन वो किसी और चोर को पकड़ रही थी। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था यार। अरे मैं खुद डर गया था गाइस, अभी तो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि अगर अभी यहाँ पकड़ लेते तो डायरेक्ट जेल ले जाते हम दोनों को यार, और बहुत मारते भी। अरे यार चलो, वहाँ पे एक बस खड़ी है, सारी की सारी अभी सेफ है। और ये लो, अरे सिमान सुनो, हम ये वाला ट्रक भी लेके आ गए यार। अरे वाह 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 फ्रैंकलिन, मानना पड़ेगा काफी दिमाग है तुम में, मुझे तो लगा था आज तुम पकड़े के जाओगे कहीं ना कहीं। तो नहीं, मैं तो कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। हो गाइस आज तो काफी ज्यादा मेहनत हो गई मेरे से। चलो आप लोग को ना सारी बसें और ट्रकें दिखाता हूँ एक साथ। चल सिंचन मदद कर मेरी। अरे हाँ हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हो सब कुछ निकाल लिया। अरे एक बार ये देखो, ये बस कितनी ऊंची है यार। अबे ये टायर देख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे को तो सबसे बढ़िया ये रेसिंग ट्रक लगा। तो सिमोन मेरे को पैसे छोड़ के ना ये रेसिंग ट्रक दे दो यार। अरे मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा, टेंशन मत लो। गाइस आप लोग ना फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आपकी फेवरेट ट्रक कौन सी है ये भी बता देना। चलो मेरी फेवरेट ट्रक तो मिल गई। और हाँ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।